नमस्ते, मेरा नाम है सूरज। हमारे साथ आज जो बैठे हुए हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आज हैं पद्मपति शर्मा जी, जिनकी नई किताब आ रही है, क्रिकेट एक अंतहीन यात्रा। और ये किताब इतनी मज़ेदार है कि मैंने ये किताब पढ़ी, दो बार पढ़ी, और मुझे हर एक किस्से में बहुत मज़ा आया। तो इस किताब को लिखने के पीछे, उन किस्सों को याद करने के पीछे, एक बार फिर से हम पद्मपति जी से बात करेंगे, उन किस्सों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो किस्से, वो आदमी जिसने इंडिया में हिंदी में स्पोर्ट्स कवरेज को, क्रिकेट की कवरेज को शुरू किया, एक तरह से शुरू किया ख़ासतौर से अखबारों में, और फिर आज का ये दिन आया कि स्पोर्ट्स और क्रिकेट की खबरों से अखबार, वेबसाइट्स और न्यूज़ चैनल भरे रहते हैं। तो चलिए, अब बहुत देर तक आपको नहीं पकाऊंगा और शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने शुरू कैसे किया स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, आपने शुरू कैसे की, आपका रुझान कैसे आया? सूरज, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगर मैं बताने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी, लेकिन सार संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ कि ये पत्रकारिता का नहीं, खेलों का शौक। जब मैं 6-7 साल का था, अपने चाचा जी जो बाद में पत्रकार हुए, आज 2 साल पहले उनका निधन हो गया, उनके पास सोया करता था, और वो टेबल लैंप लगा करके और हिंदू पढ़ा करते थे, और उस समय एक छोटी सी मैगजीन आया करती थी, स्पोर्ट्स एंड पास टाइम, शायद 8 आने की थी या 6 आने की होती थी। तो मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं थी और बड़ी क्लिष्ट होती थी, तो वो अंग्रेजी के हमको हिंदी पढ़ के सुनाते थे, देखो पता अंग्रेजी में ये लिखा है और इसका हिंदी में ये अनुवाद होगा, और वहाँ से शौक जागृत हुआ। अच्छा, और हमारे जो चाचा लोग थे, हमारा परिवार जो क्रिकेट लविंग चाचा लोग थे, और हमारे घर में एक बड़ा रेडियो हुआ करता था, वो हमारे दादाजी के शिष्यों ने उनको गिफ्ट किया था, कौसर नाम था, वो लंदन का रेडियो था, इतना बड़ा रेडियो था, उसमें कमेंट्री आया करती थी। मैं विक्रांत से भी बात कर रहा था तो मुझे याद आया कि मुझे इतना मालूम था कि 4 रन एंड आउट, क्योंकि हिंदी तो कमेंट्री होती नहीं थी, अंग्रेजी में थी, वो बोलने वाले कौन, बीजी तो क्या बोलते हैं, सरदेंदु सान्याल और बड़े बड़े दिग्गज, देवराजपुरी, तमाम माने बड़े लोग, चक्रपाणी, वी एस चक्रपाणी और महाराज कुमार विजयनगरम अलग थे। लेकिन वो धीरे धीरे शौक जो था वो एक आदत सा बनने लगा, और मैं और मेरा छोटा भाई राधेश्याम शर्मा, आज वो दुनिया में नहीं है, और मेरा लगता है कि एक हाथ ख़त्म हो गया, हम और वो, एक लाइब्रेरी कारमाइकल लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो अब इतिहास बन गई है, वो कहाँ जाएगी पता नहीं है, विश्वनाथ धाम के उसमें निर्माण में, वहाँ हम लोग सुबह 6:30 बजे जाके बैठ जाया करते थे, 7 बजे कारमाइकल खुलती थी, और तमाम अंग्रेजी के अखबार जो है कुछ एक दिन पुराने होते थे, वो पहले ही हम लोग लपक लेते थे, और ये इसलिए लपक लेते थे कि कोई दूसरे कोई मिल लेना, और वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज, NS रामास्वामी इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं, रॉन हेंड्रिक्स, KN प्रभु टाइम्स ऑफ इंडिया में, राजन बाला द हिंदू, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, और किशोर भीमानी स्टेट्समैन, तमाम ये बेरी सर्वाधिकारी, उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो नेशन अखबार होता था पटना का, बिहार का, वो उसमें लिखा करते थे, और हम लोग उसको पढ़ते थे, और पढ़ करके हमें लगता था कि यार ये हिंदी में ऐसा क्यों नहीं है, संपादक के नाम पत्र तो 2 कालम का होता है, और खेल की खबरें जो है 6 लाइन में निपटा दी जाती हैं। सूरज, आश्चर्य करोगे कि 61 में संभवतः रामनाथन कृष्णन, आज की पीढ़ी जानती है कि नहीं पता नहीं, रमेश कृष्णन के पिता, और वो विजार्ड, और वो थर्ड सीट, फोर्थ सीट माने वर्ल्ड में रैंकिंग में उनको मिला था, और वो 2 बार सेमीफाइनल में पहुँचे, और जिससे हारे वो दोनों बार विंबलडन जीता, तो सेमीफाइनल में वो पहुँचे, ये खबर अखबार में एक छोटी सी एक DC एक रही होगी मुश्किल से 10 लाइन, और वही मैं देख रहा हूँ संपादक के नाम पत्र पे लंबा चौड़ा कि लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना होती थी, और मन में एक आग उसी समय से लगनी शुरू हुई कि किसी दिन मौका मिलेगा यार तो हिंदी में भी कुछ होता है, हिंदी में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ग्रूम अंग्रेजी से हुए थे तो उनको बताएंगे कि हम भी कुछ हैं। लेकिन
पत्रकारिता करेंगे, खेल पत्रकारिता करेंगे, ये 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 नहीं सोचा था। तो मतलब कैसे, जब आपने सोचा नहीं, आपका खेलों से प्रेम था लेकिन आपने पत्रकारिता के विषय में सोचा नहीं था, तो वो कौन सी घटना, कौन सा दिन, क्या था कि आप फिर पत्रकारिता में आए, और आए तो ऐसे आए कि छा गए? हुआ यूँ कि हम उस ज़माने में सरस्वती फाटक, अब शायद इतिहास बनने को है, गेट नंबर 2 हो गया काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर हम लोग की महफिल लगा करती थी, और मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग दोनों प्रवचन किया करते थे क्रिकेट पे, हॉकी पे, फुटबॉल पे, क्रिकेट कोई वो उस समय नहीं, सारे खेल जो हम लोग जिसमें थे, कुछ बैडमिंटन भी। तो हमसे हमारे छोटे भाई के क्लास फेलो थे, गांधी अखबार के मालिक संपादक, वो पढ़ रहे थे, उनके पिताजी संपादक थे, तो वो कहते थे कि आप लोग इतना प्रवचन करते हैं, क्यों नहीं हमारे लिखते, सायंकालीन अखबार हुआ करता रहा। तो हम कहाँ लिखेंगे लिखेंगे, बस इतना हो जाता था। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब किया तो एक इंडस्ट्री का मैं जो है प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ, और वहीं पर वो जो हमारा पार्टनर बना वो वहाँ इंजीनियर था। हम लोग दोनों ने जो है नौकरी छोड़ करके और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रांसमिशन लाइन के टूल्स का, तुमने पढ़ा होगा किताब में। और वो नागालैंड में कमलनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कंपनी को भी पछाड़ा हमने, और विश्वास करोगे उस दौर में भी, जबकि नागालैंड के बगल में मणिपुर में एक डीजल पंपिंग सेट के लिए 1 करोड़ की परचेजिंग स्पेयर पार्ट्स की हुआ करती थी, लेकिन आश्चर्य कि एक नया पैसा मुझे नहीं देना पड़ा, और 2.5 लाख का हम लोगों ने ऑर्डर लिया, और 2.5 लाख 1975 में आप समझ सकते हो क्या होता होगा। और ये लगा कि वो कहता था कि पार्टनरशिप डीट कर लो, पदम पार्टनरशिप डीट कर लो, विश्वकर्मा था, शर्मा लिखता था, लोगों से कहता था कि हमारे भाई हूँ। तो आखिरी, अच्छा हमने क्या किया, टुकड़ों में वो कंसाइनमेंट भी करवा लिया था, आखिरी कंसाइनमेंट था हाइड्रोलिक कंप्रेसर का, वो जब सप्लाई हुई, इंजीनियर आया, उसने इंस्पेक्शन किया, और 90% वो पेमेंट हो जाता था बैंक से, बैंक में जाने के बाद, तो मैं उसे छोड़ने गया, और मेरे साथ 2 मूर्धन्य पत्रकार, वो वाइस चांसलर भी हैं राममोहन पाठक जी, जिनको श्रेय है कि पत्रकारिता में लाए, वो और एक शिशिर गुप्त, वो बहुत बड़ी हस्ती है बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की, उस समय आज अखबार में दोनों थे, और आज अखबार का उस समय बारजा बुलंद था, वो हमारे साथ गए, और हम लोग मुगलसराय के बाद पड़ाव आते थे, उस ज़माने में वहाँ कोयला की वो होती थी मंडी, तो वहाँ नाश्ता वास्ता किया, खाना खाया, और घर पहुँचा, रात को 2-2.5 बजे खबर आई कि शिवजीत जो 4 महीने घर नहीं गया था और बुलेट चलाता था बहुत तेज, मैं मजाक में कहा करता रहा कि तुम किसी दिन मरोगे, तो मालूम पड़ा कि वो घर जा रहा था, और बीच में सड़क पे पीडब्ल्यूडी वालों ने कोई गड्ढा खोद रखा था, और उसका जो फ्लैग था वो हट गया था, वो सीधे उसकी बुलेट अंदर गई और वो मर गया। मेरी तो जब पता लगा तो मेरी तो दुनिया अंधेरी हो गई कि ये क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनी थी, और मैं बिल्कुल बेहाल हो गया। अच्छा इस बीच में कई बार इन्विटेशन मिल रहे थे मुझे, अरे आइए आइए, अरे हम कहें नहीं सब कुछ नहीं, हम अपना लिखेंगे। पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी, हमारा ज्योतिषी परिवार रहा है, उन्होंने कभी हमारी कुंडली नहीं देखी, हमारे जो फैमिली जो एस्ट्रोलॉजर थे वो देखते थे, भाई डॉक्टर अपने घर का थोड़ा देखेगा, उन्होंने पहली और आखिरी बार कुंडली देखी, बोले पदम कहाँ तुम फंसे हो यार, अरे तुम तो लेखन में जाओ, तुम स्क्रीन के आदमी हो, तुम मैं 300 रुपये हमसे लो, जाओ स्ट्रगल करो बॉम्बे में, तुम एक दिन नाम कमाओगे। और उसी समय राममोहन पाठक का अभ्युदय होता है कि पदम भैया अब हमको बता दो, आ रहे हैं, और उसके टाइम लगेगा। और उसी के बीच में राजीव ने कहा, जब हमसे गांडीव के मालिक संपादक ने, यंग था, कि पदम जी आप लिखिए, तो पदम राधे के नाम से हमने जो रिपोर्ट की न्यूजीलैंड की, वो सीरीज थी 1976 की, और उसने तहलका मचा दिया कि 4:30 बजे मैच ख़त्म होता था शाम को, और 5:45 बजे अखबार बाजार में, और पूरी कवरेज समीक्षा के साथ, जो सुबह के अखबारों में भी नहीं रहती थी, उसने तहलका मचाया, और तहलका मचाने का परिणाम ये हुआ कि आज अखबार ने कहा आप जल्दी कीजिए। तो मैं न्यूजीलैंड कवर करने, फिर उसी सीरीज में गया कानपुर, और वहाँ पर जो मैंने कवर किया, और कवर करने के बाद मैं लौट के आया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अक्टूबर में ज्वाइन करूँगा नवरात्र के प्रथम दिन, और उस दिन मैंने जो है 77 में ज्वाइन किया 13 अक्टूबर को। और उस समय जो खेलों की स्थिति ये थी सूरज की, 2 कालम मुश्किल
जगह होती थी, अब मुझे उसी में सब कुछ समाहित करना होता था। और मेरा कोई गुरु नहीं था, हमसे जो लाए शार्दुल विक्रम गुप्त जो मालिक के पुत्र थे, उन्होंने कहा देखिए पदम जी आप आ तो गए हैं, अब आपका काम है कि आप जगह कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, और आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो मेरे जो गुरु हैं वो पराड़कर युगीन जो प्रूफ रीडर हुआ करते थे, वो संपादकों के पिता होते थे एक तरह से, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। जो कंपोजिटर थे उन्होंने बताया कि हेडिंग क्या पाइका लगेगी, और ज़माने में रोटरी पे अखबार छपते थे, माने मध्यकाल से जो आधुनिक काल में आ रहा था, अपसेट आने वाली थी लेकिन आई नीचे मोनो कंपोजिंग आ गई थी, लाइनों थी एक कंपोजिंग थी। अचानक हुआ क्या कि एक दिन एक महाशय आए और आकर के उन्होंने शार्दुल विक्रम गुप्त से कहा कि पप्पू भैया अगर कलकत्ता अखबार भेजा जाए तो 5,000 कापी जो है कलकत्ते की हो सकती है, और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है, और ये मैच के अगर कवर हो जाए तो फिर हम समझते हैं कि हम लोग के सर्कुलेशन बढ़ने में देर नहीं लगेगी। और सूरज हमको बुलाया है पप्पू जी ने और हमसे कहा कि पदम जी क्या आप कर सकते हैं, अंधे को क्या चाहिए दो आँख। हमने कहा एकदम पक्का, क्योंकि 1:30 बजे मैच ख़त्म होता था। बोले देखिए 5:30 बजे सारे पेज छोड़ देने हैं, शाम को 7:30 बजे वो कालका मेल आती थी, उस ज़माने में नंबर 1 ट्रेन हुआ करती थी, और सुबह 6 बजे पहुँच जाती थी, और बड़ा बाज़ार में जो पूरा गैर बंगाली एरिया था वो पूरा का पूरा हिंदी अखबार का शौकीन था। और मैंने भैया शुरू किया, मेरा छोटा भाई और हम दोनों मिल करके जो है बांट बांट के कवरेज किए, रेडियो से, पूरी रेडियो से कवरेज होती थी, और 13 बैंड जो होता था ऑस्ट्रेलिया का, उसे बड़े बड़े दिग्गज वो करते थे, ऋषि बैनो ऐसे लोग, तो वहाँ से जो है हम सुन करके और वो लिखा हमने, और लिख करके मैं 2:30 बजे जो है, अच्छा लंच होता था तो लंच की स्टोरी लिखा जाती थी, टी होता था टी की स्टोरी, उसके बाद मैं इंट्रो बनाना शुरू करता था और फिर पूरी समीक्षा। तो मैं जब पहले दिन लेके गया तो हमारे जो संपादक जी चंद्र कुमार जी थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई हम क्या काटें, हमने कहा आप देखिए, तो जगह कितनी हुई, 2 कॉलम पूरा खड़ा ऐसे आया। तब ये हुआ कि अरे भैया 2 कॉलम तो इसमें, तो और खबर कहाँ जाएगी, तो ये हुआ कि जो 1.5 कॉलम और इनको दे दो। और विश्वास करो कि वो दिसंबर आते आते तक, नवंबर आते आते तक, एक दिन हमको बुलाया संपादक जी ने और कहा कि भैया आज से आपका पूरा पेज हो गया। तो वो ऑस्ट्रेलिया कवरेज थी, दैट वॉज बून फॉर मी और बून फॉर द हिंदी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आल्सो। और उसके आपकी किताब में मैंने पाकिस्तान के बड़े किस्से सुने हैं, पाकिस्तान यात्रा आपकी, आप जितनी भी बार गए मज़ेदार रही, तो वहाँ से कुछ बताना चाहेंगे? पाकिस्तान की मैं चर्चा कर रहा था विक्रांत से भी, गगन से भी हो रही थी। पाकिस्तान के लिए हुआ कि बैकग्राउंड ये बना कि मुझे कहा गया कि जाइए इत्तफाक से यूपी की एक रणजी टीम, जो प्रोफेशनल रणजी टीम बनी, मोहन मेकिंग्स ने उनको स्पॉन्सर किया, सारे लोगों को अपने यहाँ रखा, वो फाइनल में पहुँची, और मुकाबला दिग्गज जो है वो कर्नाटक से था। तो हमसे कहा गया जाइए आप मैच कवर कीजिए, और कैसे कवरेज हुई मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्या कंडीशन रही आज की जब कोई सोच नहीं सकता। लेकिन मेरे लिए फ़ायदा ये हुआ कि मोहन मेकिंग्स गाज़ियाबाद ने, बड़ा खूबसूरत मैदान था, वहाँ बुरी तरह से 2-2.5 दिन में ही टें बोल गई यूपी, और दिग्गज चंद्रशेखर, प्रसन्ना तमाम लोग थे, विश्वनाथ पटेल। तो लेकिन वहाँ फ़ायदा ये हुआ कि जो मूर्धन ने हमारे जो आइडियल थे, जिनको मैं पढ़ता था, उनके साथ कवरेज करने का सौभाग्य मिला, और वो सुयोग मेरे लिए बड़ा काम का हुआ। और मैंने जब कवरेज की तो जब लौट के आया तो बड़ी प्रशंसा मिली है मुझे, थर्ड क्लास में सफ़र किया था, थर्ड क्लास में ही गया था जब, और कुछ दिन बाद जो है हमको बाढ़ के कवरेज के लिए भेज दिया गया कि पदन जी अच्छा लिखते हैं, बाढ़ भी कवर करेंगे, ठीक है। लौट के आया तो एक दिन हमें संपादक जी विद्या भास्कर जी, बड़े मूर्धन्य पराड़कर योगीन थे, और मैं उनको नमन करता हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, उन्होंने बुलाया, बोला पदम जी, कहा आपको पाकिस्तान जाना है, अच्छा और जाइए, मैं सुबह गया हूँ, दोपहर में 2 बजे में जाता था, और आप जाइए और वो सुबह आपको वहाँ मिलेंगे, राजनाथ जी और सब लोग मिलेंगे, लखनऊ में उस समय आज अखबार की तूती बोलती थी, और आपका पासपोर्ट बन जाएगा कल, और ले करके आप सीधे प्रोसीड कीजिए दिल्ली और जाके वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। तो हतप्रभ हो गया हमको, ये क्या है। खैर मैं रात की ट्रेन से पहुँचा सुबह,
और बड़े इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक क्या मतलब, ये अखबार का था कि शाम तक मेरे हाथ में पासपोर्ट, टेम्परेरी पासपोर्ट था लेकिन मेरे हाथ में था साल भर के लिए, और उसी रात को मैं ट्रेन पकड़ी और मैं वहाँ पहुँचा और वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो जब वीज़ा के लिए अप्लाई करने लगा तो लोगों को पता लगा तो मालूम पूछा, उस समय दौरा चल रहा था, हमें फर्स्ट टेस्ट से ज्वाइन करना था, तो उस समय लाला अमरनाथ, टाइगर पटौदी, गोपेश मेहरा, इस तरह के लोग जो थे वो, उन लोगों को पता, सब लोग एक साथ हम लोग गए। और वहाँ जब गए तो प्रेस अटैची महाशय वहाँ मौजूद थे, उनको गोपेश मेहरा ने परिचय कराया कि मिलिए ये लाला अमरनाथ हैं, टेस्ट प्लेयर। तो बदतमीज कहता क्या है, कौन सा खेल खेलते थे? हम लोग तो एकदम कह, यार ये आदमी है कि क्या है, खटी का जाइए, वो हम वो अपने भेज देते हैं वो फॉरेन अफेयर्स को, और वहाँ से परमिशन आएगा तो उसके बाद होगा। और साहब 15 दिन हो गए 16 दिन हो गए कोई परमिशन नहीं। गोपेश मेरा रोज़ कह रहा था, एक दिन उसने सीधे सीधे कहा कि देखिए अगर आपने कल वीज़ा जारी नहीं किया तो ये अखबारों में आएगा कि ये जो दौरा है ये एकदम डिप्लोमेटिक दौरा है, इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे खेल नहीं है, क्योंकि पत्रकारों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। और भैया फिर वो धमकी काम कर गई और मैं पहुंचा तो जब मैं जाने लगा तो उसके पहले 15 दिन से मैं रोमन में लिखना शुरू कर चुका था। आई वॉज अवेयर अबाउट द टेलेक्स। आज की पीढ़ी, आप लोग शायद टेलेक्स के बारे में नहीं जानते होंगे, उस ज़माने में ये लाइव कवरेज करने का एकमात्र साधन था। और मज़े की बात यह है, चाहे आज हो चाहे जागरण हो, इन सबों के यहाँ टेलेक्स था, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि इस टेलेक्स से जो है कवरेज भी की जा सकती है, इसका संपादकीय प्रयोग भी हो सकता है, समाचार संप्रेषण के लिए काम आ सकती है। वो कागज़ की बिल्टी और विज्ञापन इत्यादि का होता था, लेकिन मैं तो चूंकि अंग्रेजी से मुझे पता था कि टेलेक्स खराब हो गया तो मेरी रिपोर्ट देरी में गई, और कैसे होता, तो मुझे लगा कि अगर रोमन में मैं अभ्यास करूँ, 15 दिन मैंने रोमन में अभ्यास किया। और जब मैं, संपादक जी ने मुझसे कहा कि देखिए पदम जी आप जाइए, जा रहे हैं और ऐसा है कि आप रात को आराम से 10 बजे भोजन वोजन करके अब लिखिएगा और टेलीग्राम कर दीजिएगा, वो टेलीग्राम जो है हम लोग को मिलेगा, दूसरे दिन हम लोग कायदे से बना के उसको दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। मैं अंदर से हंसा, और जब मैं पहुंचा वहाँ तो कर्टन रेजर मुझे लिखना था, कर्टन रेजर मैंने लिखा, और 4 बजे शाम की बात है, शायद 4:30 बजा होगा, और आज अखबार के दफ्तर में वो टेलेक्स बजा, खटखट खटखट। जब आवाज़ आई तो गए कि कोई कागज़ की बिल्टी आई होगी, लेकिन जब देखा उन्होंने कि अरे पद्मपति शर्मा फ्रॉम फैसलाबाद, अरे भैया जी वो बिल्कुल जनरल मैनेजर तिवारी जी थे, वो तो एकदम क्या बताएं, उनको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या। और जब पूरी कवरेज, अगर उन्होंने इंतज़ार किया और 20-25 मिनट की कवरेज थी वो पूरी, तो जब उन्होंने फाड़ा और लेकर गए जब मालिक के पास, अखबार के स्वामी और संपादक थे सत्येंद्र कुमार गुप्त और उनके पुत्र शार्दुल विक्रम गुप्त, का भैया जी ये देखिए ये पद्मपति की कर्टन रेजर आया है, पूर्वावलोकन आया है, कल से टेस्ट मैच शुरू है, हम तो सोच रहे थे कि दूसरे दिन, ये तो आज आ गया और 7 बजे तो पहले एडिशन से जाएगा। कहा अच्छा ऐसा है भैया, और 100 रुपया निकाला उन्होंने, कहा जाओ गणेश जी बगल में, बड़ा गणेश है, बोले गणेश जी को जाओ भोग लगाओ। अब उस समय सोचो कि 78 में 2.5-3 रुपये से वो मिलता था, और साहब पूरे अखबार में जो है वो लड्डू बटे और वहाँ कवरेज की। लेकिन हाँ एक बात बहुत ज़रूरी है वहाँ कहनी मुझे, कपिल देव का वो डेब्यू टेस्ट था। मेरे बगल में टाइगर बैठे हुए थे, बोले यार पद्मपत साला आज अखबार का क्या, ये हिंदी का अखबार है, ये है वो, हमसे बात की, बोले बाद में बात करेंगे, हमको देख चुके थे, परिचय नहीं था, और चूँकि पटौदी और पदम नाम अल्फाबेट में थे, दगल बगल बैठने का मौका मिला, लेकिन मेरे वो मित्र हुए और बाद में उन्होंने हम पर लिखवाया भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, जिसका भी उल्लेख है तुमने देखा होगा कि किस। तो जब पहला ओवर फेंका उसने तो मैंने देखा कि पटौदी की आँख छलक आई थी, मेरा हाथ पकड़ के कहा कि पदम काश मुझे भी ऐसा फास्ट बॉलर मिला होता, 3 स्लिप लगी है, गली लगी है, कवर पॉइंट लगा हुआ है, शॉर्ट लेग भी लगा है, और वो क्या बॉल कर रहा है। और माजिद और सादिक, सादिक जो है ये हनीफ के छोटे भाई, मुश्ताक के छोटे भाई,
और उनके कान के बगल से सुन से गेंद गई, गेंद गई तो दूसरे ओवर में सादिक मियाँ जो है वो भागे पेवेलियन की ओर, तो ये हुआ कि वाशरूम गए होंगे, अब मालूम नहीं ये वाशरूम अभी इतने मैच शुरू हुआ वाशरूम, लेकिन पता लगा कि जब वो निकले तो वो अंतरिक्ष यात्री टाइप का एक टोपा हेलमेट जो है, देन हेलमेट वाज इंट्रोड्यूस 16 तारीख 16 अक्टूबर संभवत है, और वो जब आए अब विश्वास करो कि एक गेंद और उन्होंने खेली, दूसरी गेंद जब आती है और सीधे जो है वो सादिक के टेंपल पे लगती है यहाँ कनपटी पे, अगर वो हेलमेट न लगाया होता उन्होंने तो एक बड़ी खूनी शुरुआत कपिल की होती, वो भी पाकिस्तान में। और आप सोचिए वो दौरा जो था, मेहमान मेहमान मेहमान, बड़ा इज्जत बड़ा तो, और बड़ी लंबी कहानियां हैं वो, उसकी चर्चा बाद में करूंगा कभी, किताब भी मुझे लिखनी है, मैंने इसका भी उल्लेख किया है, लेकिन वो दौरा और बेईमानी से भरपूर था, पहला टेस्ट तो ड्रा होना ही था, विकेट जो था बिलियर्ड टेबल की तरह था, रन ही रन का बनने थे उस पर, बैट्समैन पैराडाइज कह सकते हो, और अंपायर भी खेले क्योंकि प्रसन्ना जो मैंने अंगुलियों का जादूगर था वो ऑफ स्पिन के मामले में, ये चंद्रा और प्रसन्ना ये लगातार छका रहे थे जहीर को, इसको 3 विकेट गिर गए थे 100 पे, लेकिन अंपायरों की मदद से कभी मियादात को आउट नहीं दिया जाता और जहीर को नहीं, ये खड़े रह गए और उसके बाद एक बड़ा रन बना, भारत ने भी बनाया, लेकिन तुम आश्चर्य करोगे कि कितने क्रिकेट के जानकार हैं वो लोग और कितनी पार्टीजन क्राउड था, क्राउड के नाम पर बड़े थोड़े से लोग थे, कि गुंडप्पा विश्वनाथ ने जब सेंचुरी पूरी की तो जानते हो कि सेंचुरी जब बनाता है तो पहला जो बधाई देने वाला होता है विपक्षी कप्तान होता है और पब्लिक खड़ी होती है, वो बेचारा बल्ला लेके घूम गया, एक ताली नहीं बजी, ताली अगर बजी तो 10-15 हम लोग की मीडिया में बजी, और वो हतप्रभ रह गया कि ये क्या हो रहा है, और दूसरे दिन डॉन के संपादक थे अली कबीर आजमगढ़ के रहने वाले, उन्होंने लिखा इस वॉज नॉट ए क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं है, कम से कम आपको इसका खैर मकदम करना चाहिए था। इसी टूर से एक और किस्सा है कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, 1984 का साल था और 16-17 नवंबर की तारीख तय हुई थी उस मैच के लिए जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय टीम लौट आई थी दौरे के बीच, लेकिन वो मैच गावस्कर ने कहा था कि मैच हम खेलेंगे, वो डबल विकेट टूर्नामेंट था, तो उसमें उसके बाद एक मतलब जब मैच हो गया उसके बाद थोड़ा सा विवाद उठा था पैसों को लेकर, तो वो विवाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो पूरी बात क्या थी, कैसे क्या हुआ। असल में मैं इसके लिए स्वयं को दोषी मानता हूँ। हुआ यूँ था कि 1981 में बीएम बोहरा, उस समय वो बनारस में जो है वो प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे कॉरपोरेशन के, और ही वॉज वेरी गुड क्रिकेटर और सीनियर टू सनी गवास्कर। सनी गवास्कर उस समय 10वें 11वें नंबर पर उतरते थे, विकेट कीपिंग भी करते थे और वो अशोक मांकट कप्तान हुआ करते थे, तो इन लोगों का बड़ा अपनापन था। उसके सौजन्य से पूरी टीम आई तो सनी वॉज नोन टू मी, क्योंकि मैं 78 में जा चुका था, ज़्यादातर खिलाड़ी हमको जानते भी थे। हुआ ये था कि वो वाश आउट हो गया, मैच नहीं हो पाया, एक दो घंटा खाली खेल हो पाया और बड़ा बोरा ओरा लगा के बने एक तरह से वो औपचारिकता की, तो ये हुआ कि अब दोबारा आएंगे। तब उसने अपने हमारे पत्रकार साथियों से कहा कि पदम से कहना कि 84 में पाकिस्तान दौरे के बाद और इंग्लैंड की टीम के आने के पहले बीच का जो समय है उसमें हम रखना चाहते हैं। मेरे पिताजी का निधन हो गया था 83 में, तो उन्होंने कुछ कहा था कि भाई चारों धाम करवा देना, तो मैं अपनी माँ को अपने छोटे भाई राधे को और उसकी बहू, हम लोग मद्रास पहुँचे तो वहाँ स्टेशन पर मोहन उस समय हिंदू में थे और राजन बाला जो रामास्वामी मोहन, वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिकल राइटर, मैंने मैकेनिकल क्या वो मैकेनिकल इंजीनियर था, गजब का लिखते थे और राजन बाला उनके गुरु थे, ये दोनों स्टेशन आए, इन्होंने कहा कि सनी गवास्कर ने कहा है कि ऐसे ऐसे पदम और वो बुच्ची बाबू क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, तुम लौटना, हो सकता है फाइनल में पहुँचेगी तो तुम उससे मिल लेना, गवास्कर बोल रहा था। हमने कहा ठीक है मिल लेंगे। मैं लौट के आया रामेश्वरम वगैरह से तो वहाँ बुच्ची बाबू का फाइनल चल रहा था, गवास्कर अच्छे रन बना के आउट हो गए थे, ड्रेसिंग रूम में थे। मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो उसने कहा पदम भाई, पंडित जी कहता था, पंडित जी हम लोग को जो है मैच हम लोग खेलेंगे, तो वहाँ एक लिस्ट बनी ये खिलाड़ी लेना, तो मैंने कपिल की जब बनी तो इन लोगों के बीच थोड़ा सा अदावट सी चल रही थी,
तो मैंने कहा कि कपिल को आप मत रखो, तो वहाँ पर सनी ने ये कहा कि अगर कपिल नहीं होगा तो पब्लिक नहीं आएगी। देखो हम टेस्ट मैच के बल्लेबाज हैं, लेकिन हम वो आतिशी बल्लेबाजी नहीं कर सकते हम जो कपिल कर सकते हैं। तो कपिल का रहना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान अपन चल रहे हैं तो पाकिस्तान में उससे बात कर लेना, 8,000 रुपया उसका रख देते हैं, 7,000 और 10,000 अपना उसने रखा, कुल मिला के उस ज़माने में 40,000 का बजट बना, 48 किताब में 48 हाँ सारी, और आज के ज़माने में तो 48 लाख ले लेते हैं। तो और मैंने उसी रात ये इसी किस्से के बीच में एक किस्सा मैं ये जानना चाहूँगा कि उस टाइम जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे उनकी मैच फीस क्या होती? मैच फीस तो ऐसा होती थी कि मैं तुम्हें बताऊँ उसका किस्सा भी, कि दूसरा टेस्ट मैच था 84 का, पहला टेस्ट ड्रा हो गया था, दूसरे टेस्ट मैच में शायद 4-5 ओवर ही बॉलिंग किया था तो कपिल को प्रॉब्लम हो गई। कपिल के संग प्रॉब्लम ये था कि इनके घुटने में एक अंडा सा हो जाता था और उसको सब्सिडाइज होने में करीब 7-8 दिन लग जाते थे, फिर वो पूरे मैच से बाहर हो गए। और कोहिनूर गेस्ट हाउस में उस समय टीम ठहरी हुई थी, वहीं पर वो थे, तो रेस्ट डे वाले दिन हमसे सनी ने कहा जाओ जरा कपिल से आप बात कर लो। तो मैं गया तो कपिल से कहा भाई कपिल आपको जो है वो बनारस में मैच खेलना है, बोला पदम जी क्या मिलेगा? तो हमने कहा 7,000। तो वो पलंग से उठ के बैठ गया, है व्हाट 7,000, क्योंकि उस ज़माने में वनडे खेलने का एक खिलाड़ी को 1,500 रुपया मिलता था, उस ज़माने के हिसाब से सही था क्योंकि मेरी तनख्वाह भी इससे कम थी। तो लेकिन आज की जब बात सोचो करोड़ों मिलते हैं तो उस हिसाब से था, बोला यस श्योर श्योर, और वहीं पर यह तय हो गया। हुआ क्या, डिमाइस हो गई इंदिरा जी की, तो ये हुआ कि सर कैंसिल होगा, बोला नहीं होगा। हुआ एक दिन तो हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ कि आयोजन समिति के एक सदस्य थे, उनकी आज वो आज दुनिया में नहीं है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने अपना कुछ वारुणी में थे और उन्होंने अपना होटल में जिमी अमरनाथ से कहा कि अरे वैसा नहीं है, वो तो इतना रुपया दिया है और उसको 40,000 तो अलग से दिया गया है गवास्कर को। और ये जैसे ही पता लगा तो मतलब, और वहाँ पर लायंस क्लब का परिचय समारोह चल रहा था टीम का स्वागत के लिए ताज होटल में, और जैसे ही लगा तो ये हुआ कि अरे ये क्या हो गया। और उसके बाद फिर बड़ा विवाद हुआ ऊपर होटल के कमरे में, वो एक कोई था मैनेजर सनी गावस्कर का परिचित भी था उसी कमरे में, मैंने हाथापाई नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद तो जो हुआ वो एक लंबी कहानी है, बॉम्बे में अखबारों ने इसको टैबलेट थे डेली और मिड डे, इन लोगों ने खूब इस मामले को उछाला और भारत जो है वो जीत रहा था, उन्होंने हारते हारते वो जीता। लेकिन जब वो अच्छा अब उधर क्या हुआ कि बवाल जब हुआ तो एनकेपी सालवे थे, उन्होंने उनके एक सदस्यीय जांच समिति बैठा दी गई, तो उन्होंने पूछा तो हमसे सनी गावस्कर की पत्नी ने मार्शनील ने कहा कि भैया वो कितना रुपया दिया था ये लिखवा लीजिए उनसे। तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे कहा कि भाई आप बताइए क्या है दिया, बोला सर हम लोगों ने तो पूरा 48,000 का ही रहा, 10,000 ही दिए और तो कुछ दिए नहीं, उन्होंने लिख के दिया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। और उन्होंने लिख के दिया और मैं वो लेके गया, मैंने वो कागज़ उनको दिया सनी गावस्कर को, तो रेस्ट डे था और गावस्कर बहुत नाराज़ थे और उसी में रैकलेस बैटिंग का नाम दिया और कपिल को जो है अगले कलकत्ता टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उसके लगातार 100 टेस्ट मैच अनथक हाँ खेलने का एक रिकॉर्ड बन जाता उसका, वो नहीं बन पाया। लेकिन एनी हाउ फिर सालवे साहब ने बुलाया नागपुर में और इन दोनों को सामने आमने बैठा करके सुलह की, और शायद वो पहला मौका था ऐसा कि भारत 1-0 की बढ़त लेने के बाद वो सीरीज गंवा बैठा। और उसके लिए मैं अपने को दोषी मानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता। जब हम कपिल और सनी के झगड़े की बात कर रहे हैं तो क्या कपिल देव को जब कप्तान बनाया गया सनी को हटा के, तो ये वाकया इसके पहले का है या बाद का है? नहीं वो उसके बाद का है, नहीं पहले का है। हुआ ये था कि 1982-83 में धो के रख दिया था पाकिस्तानियों ने, और वहाँ पर ये भूमिका बनी, और एक भूतपूर्व खिलाड़ी कप्तान जो इंडिया टीम के थे और जिनके संग गावस्कर के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे और वो स्वयं को टीम से बाहर होने के जिम्मेदार मानते थे, और वो एक मैगजीन के लिए, और वो मैगजीन शायद यहीं की थी
इंडिया टुडे ही थी, उसके लिए कवर कर रहे थे और उन्होंने पूरी की पूरी एक रची। और ये कपिल कहता रहा कि नहीं, मैं मुझे कभी कप्तानी नहीं करनी है, नहीं करनी है, लेकिन अंत में मनाया गया। गुलाम अहमद साहब जो थे चेयरमैन थे, उनको बुलाया गया कराची टेस्ट मैच में, और वहाँ पूरी भूमिका बन गई कि कपिल को कप्तान बनाया जाएगा। और कपिल की कप्तानी में ही वो टीम वेस्ट इंडीज गई। और शायद ये भी ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि वहाँ पर एक वनडे में बहुत ज़बरदस्त पारी खेली कपिल ने, और वो कालजयी टीम जो कहलाती थी उसको हराया एक मैच में। ये बहुत बड़ा काम था, और इसने कितना फ़ायदा दिया वर्ल्ड कप में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर जो है वर्ल्ड कप हुआ, और वर्ल्ड कप में तो आपको पता ही है कि क्या हम लोगों की हैसियत थी। यस, कि आप सोचिए कि जो टीम पिछले दो वर्ल्ड कप में एक मैच जीत पाई हो, वो वर्ल्ड कप ले उड़ी, ये मैं समझता हूँ कि आश्चर्यों का आश्चर्य है। और इसलिए भी है कि देखिए, मैंने अभी कहा, विक्रांत से भी मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि देखो आप ये समझ लो कि बहुत भारत ने ट्रॉफियाँ जीती, वर्ल्ड कप जीता, T20 का वर्ल्ड कप जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, तमाम जीते, लेकिन जो खुशी और जो देश में जो उल्लास और जो मतलब माहौल जो था, मैं आज भी रोमांचित हो, मैं रोमांच भर उठता हूँ, वो कभी नहीं दिखा। और उसका कारण ये था कि जब टीम उतरी थी तो किसी ने भाव नहीं दिया था, मैंने भी नहीं दिया था, ये सच है। और लेकिन क्या बात है, और एक एक एक, एक भावुक क्रिकेट प्रेमी ने दांव लगाया था, वो उस ज़माने में करोड़पति हो गया, और भारतीय टीम को लता जी के प्रोग्राम करा करके और फिर 1-1 लाख रुपया दिया गया। उस समय ये माली हालत BCCI की थी कि वो इस स्थिति में नहीं थी। तो लेकिन एक बात बता दूं मैं कि वो जो था, वो एक क्रिकेट का एक युगांतकारी जिसको कहते हैं कि परिवर्तन हुआ है। उसके बाद भारतीय क्रिकेट धीरे धीरे ऊपर चलती ही गई। ठीक है कि हमारे पास बॉलर्स नहीं थे और इसलिए जो है हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस कम से कम विदेशी धरती पर नहीं कर पाए, लेकिन अपनी धरती पर जब भी आते थे तो भारत को हराना एक टेढ़ी खीर हुआ करता था, ये भी तय है। एक और किस्सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का क्या है, कि हम लोग की जो पीढ़ी है या हमारे बाद की जो पीढ़ी है, उन्होंने हमारे लिए क्या एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कॉलम पढ़ना, अखबार में प्लेयर्स के कॉलम पढ़ना। लेकिन आपकी किताब मैंने पढ़ी, उसमें पता चला कि हिंदी में कॉलम लिखने की शुरुआत आपने कराई थी, दिलीप वेंगसरकर ने पहली बार लिखा था। तो इससे दो इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, आपने कैसे उनको तैयार किया, कैसे बात की, और दूसरा किस्सा कि उनके किसी एक लेख पर कोई उद्योगपति नाराज भी हो गया था। तो ये दोनों किस्से मैं आपसे देखो, दरअसल वो क्रिकेट में ऐसा हुआ था। सच्चाई तो ये है कि ये बात 82 की है, लेकिन 1980 में जब भारत ने आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में जीता, तो मोहम्मद शाहिद हमारे बनारस का था, और मैं समझता हूँ कि ध्यानचंद के बाद इतना बड़ा ड्रिबलर शायद देश ने नहीं देखा। और वो मेरे से, उसका परिचय जो जूनियर हॉकी से ही था, जब वो जीत के आया हमारे पास तो हमने कहा शाहिद आओ बैठो, और हमारे संग वो बैठा, और हम लोगों ने 1.5-2 घंटे बात की, और उसके बाद उसके नाम से कालम लगा। 5 दिन तक धारावाहिक आया, ओलंपिक स्वर्ण की कहानी, मोहम्मद शाहिद की जुबानी, इस तरह से कुछ रहा हेडिंग, और वहाँ से शुरू हुआ ये हिंदी में कालम पहला। और 82 में जब मैं वहाँ पहुँचा, गोरखपुर में वो मैच था, तो वेंगसरकर ने कहा यार पटपट कुछ लिखवा, पटपट कहा करता था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, और एक शीतल पेय कंपनी थी, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे मैंने बात की, हमारे परिचित थे बनारस में, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2 दिन की कवरेज करो, 1500-1500 रुपया रोज स्पॉन्सर, हाँ स्पॉन्स कर लिया। तो उसका लगा लोगो और साहब वो किया। तो हुआ ये कि दूसरे दिन जो है शाम को एक उद्योगपति थे, उन्होंने एक डिनर दिया, किताब में पूरा है उसका उल्लेख, और वहाँ पर सोलकर था, दुनिया में नहीं है, संजय मांजरेकर, सारे खिलाड़ी थे, और सारे लोगों ने खूब मज़े किए, डिनर खाया, और सबको एक एक बड़ा बड़ा जंबो साइज़ का जो है ब्रीफकेस सबको गिफ्ट में दिया। दिल तो उसका बड़ा बड़ा था उस समय भी उद्योगपति का। हुआ यह कि सुबह जब अखबार में खबर आई
तो उसमें वेंगसरकर का कालम चल रहा था, तो दो दिन का था, तो दूसरे दिन वेंगसरकर ने लिखा कि कोई सहारा वाले थे और उनके यहाँ मैं गया तो ऐसे ऐसे ये हुआ ये हुआ। तो जो मैं टीम जाने को थी और वो डीएम के यहाँ मैं चाय पी रहा था, और दूसरे तीसरे दिन होली थी तो मुझे जल्दी थी वापस लौटने की। वो आए तो बोले कि सर, तो उस डीएम ने पूछा आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुब्रत राय है। तो कहा कि बोलिए, बोले साहब देखिए ये बड़ा गलत लगा है, एक सहारा और भी है और इन्होंने कोई सहारा वाला लिखा, पूरा लिखना चाहिए था। तो बोले देखिए ये पदम जी हैं, ये स्पोर्ट्स एडिटर हैं, ये बताएंगे आपको। हमको भैया ऐसा है प्रभु कि कालम तो जो है वो वेंग सरकार का है, मेरा तो नहीं है, मैं तो वो मैं लिखा हूँ। तो बोले वो देखिए वो बस बस जा रही थी, उस समय फ्लाइट नहीं थी, उस दिन वो डेली फ्लाइट नहीं, तीन दिन की होती थी, तो लखनऊ जाना था इन लोग को बाई बस। तो बोले देखिए वो लोग बैठे हैं जाके उनसे, तो गए तो बोले ना बाबा हमको क्या वो पदम से बात करो। तो जब वहाँ बोला आप ही हमारे पास, हमको महाराज ऐसा है आपका दोनों अखबारों से परिचय है, आज और जागरण दोनों से, मैं समय जागरण में ही था और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उनको जाके संपादकों को बोल दीजिए, उनके मैनेजरों को बोल दीजिए, आपका भी खंडन और स्पष्टीकरण आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि एक इवनिंगर था, उसने एक पेज का, दूसरा जो उनका राइवल था उसने एक पेज का जो है बधाई दे दी और सब दे दिया, ये है कहानी। चलिए, तो आपसे बातचीत में बड़ा मज़ा आया और आपकी किताब पढ़ने में बड़ा मज़ा आया, और मैं चाहूँगा कि ये जो किस्से आपको अच्छे लगे हों तो आप इन किस्सों को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं और तमाम किस्सों के बारे में पढ़ना चाहते हों तो पद्मपति जी की किताब जरूर खरीदें। मैं आपको एक बार पब्लिकेशन बता देता हूँ, तो ये जो किताब है इसका नाम है अंतहीन यात्रा खेल पत्रकारिता, और मैं इसे छापा है हिंदी प्रचारक पब्लिकेशंस ने, और ये किताब आपको 394 रुपये में मिलेगी, हो सकता है डिस्काउंट में भी मिल जाए, तो आप ये किताब पढ़िए। और इसके साथ साथ आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, पद्म जी के साथ बातचीत कैसी लगी, अगर आप और किससे इनसे सुनना चाहते हो तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, हम फिर किसी दिन पकड़ेंगे सर को, बैठेंगे और फिर बातचीत की जाएगी, लल्लन टॉप बातचीत होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, चलते हैं।